होली के पावन त्योहार को लेकर आज भाजपा विधायक राजेश नागर द्वारा तिगांव विधानसभा में विशाल होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी ने फूलों की होली खेली और एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में शामिल होकर तमाम क्षेत्रवासियों और देशवासियों को होली के त्योहार की बधाई दी और विधायक राजेश नागर के साथ पंचारी के मशहूर नगाड़े को भी बजाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी जी के सामने कोई भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी के दिल में देश बसता है और लोगों के दिल में मोदी जी बसते हैं। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने इससे पहले वीडियो में देखा, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार हैट्रिक लगाने में कामयाब हुए हैं, टिकट लाने में कामयाब हुए हैं, और उसके बाद होली की जो है होली के सेलिब्रेशन के तहत पहुंचे हैं तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश नागर के यहाँ। और यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं किस तरीके से पूरा हजूम है, और यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, पूरे फरीदाबाद वासी हैं जो उनको शुभकामनाएं देने के लिए और उनके साथ होली का त्यौहार मनाने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़े, यानी कि एक साथ विधायक राजेश नागर और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जो है यहाँ पर नगाड़ा बजाया। मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से भी बातचीत की और आगामी चुनाव के बारे में भी जाना। सुनिए क्या कहते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप पहुंचे हैं तिगांव? देखिए, आज तिगांव विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो लोकप्रिय विधायक है राजेश नागर जी, उन्होंने आज होली मिलन का कार्यक्रम अपने निवास पर रखा है। तमाम इलाके के लोग उनको होली की बधाई देने आ रहे हैं, वो भी लोगों को होली की बधाई दे रहे हैं, और मैं भी उनके यहाँ पर उनको होली की बधाई देने आया हूँ। आज सारा देश होली के रंग में डूबा हुआ है, सब एक गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो मैं भी तमाम लोकसभा क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होली उनके उनके परिवार के लिए मंगलमय हो, शुभ हो। तीसरी बार भरोसा मोदी जी ने आप पे जताया है और 400 पार का नारा इस बार दिया जा रहा है और फरीदाबाद में 10 लाख के आ रहे हैं। देखिए, मोदी जी के दिल में देश बसता है और देशवासियों के दिल में मोदी जी बसते हैं, इसलिए उनको देशवासियों पर भरोसा है कि इस बार देशवासी 400 से ज्यादा सीटें एनडीए को देंगे और 370 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देंगे। तो ये इतिहास इस बार रचा जाएगा। मैदान खाली है, मोदी के सामने कोई नहीं है। आप देख भी रहे हैं पिछले 1.5 महीने से सिर्फ मोदी ही पूरे देश में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं।